अक्षय सर, इस फिल्म में आप चार बहनों के साथ हो, रियल लाइफ में कभी किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? नहीं, ब्रोजोन, ब्रोजोन, ब्रोजोन ना, किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने. On that lovely note, can we call the sisters to the brother? Can we please put our hands up together? रक्षाबंधन की चार बहुत ही nice, very sweet, lovely sisters on stage. Sadhya, Deepika, Smriti and Sahajmeen. जी पूछ रही हूँ सर, सेट तो होने दो. अच्छा, मतलब इतने कच्चे कपड़े पहने पहने, है ना? लवली यू गाइज आर लुकिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस मूवी एंड थैंक यू गिविंग अस द फ्लेवर जो हर बहन को फील होता है. जिंदगी भर झगड़ा करते रहेंगे लेकिन जब जाएंगे तब रो के जाएंगे, यू नो, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, राइट? आप चारों के लिए एक सवाल तो ये है ही, और मैं तब्बू जी का रेफरेंस लेना चाहती हूँ यहाँ पे. तब्बू जी ने एक बार कहा था कि वो सिंगल आज तक इसलिए हैं क्योंकि अजय देवगन ने जो भी लड़का आया है उनके जीवन में पीछा छुड़ा दिया उससे. तो क्या अक्षय सर भी ऐसे प्रोटेक्टिव टाइप हैं? क्या आपके बॉयफ्रेंड्स को आने नहीं देते थे सेट्स पे? क्या आप खुद नहीं आने देती थी? मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट क्लैरिफाई एनी वन ऑफ यू. So I would want to tell, it's not regarding any boyfriend या boyfriend या ऐसा कुछ नहीं है. I am pretty sure कि sir बहुत supportive होंगे उस sense में. But एक incident है इसी जो गाना हमारा launch हुआ है, इसमें एक scene है जिसमें हम सब जब विदाई हो रहे हैं हमारी बड़ी बहन की, एक emotional scene बनता है जब हम सब रो रहे हैं और एक एक करके हम गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और sir हमें बचाते हैं. वो स्पेशली मेरा बहुत 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 फेवरेट मोमेंट है. और उस सीन में जब हम शूट कर रहे थे तो ऐसा हो गया था कि हमारी जो बहन है एक, वो थोड़ा सा स्लिप करके गिर गई थी क्योंकि काफ़ी रिस्की और वो था क्योंकि हम लोगों ने हील्स वगैरह पहनी हुई थी और स्टेयर्स से हमें उतर के करना था. पर तो जब गिरी तो सर वॉज द वन जिन्होंने एकदम से, मतलब देखा उस तरह, उस टाइम पे वो जिस तरह से उन्होंने एक प्रोटेक्टिव इंसान की तरह बिहेव किया और उन्होंने भाई की तरह, इंसान इज इक्वल्स टू भाई, प्रोटेक्टिव भाई की तरह तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा, उसको उठाया और पूरा एकदम कि नहीं, यू शुड मेक श्योर कि भाई किसी को भी कुछ भी इंजरी नहीं हो और ये सब. तो ये एक बहुत प्यारा मोमेंट था जो मुझे याद रहा मेरे जहन में. तो इट मस्ट हैव बीन अ रायट ना टू टाइम. और यहाँ आने से पहले भी जो घबराहट होती है अक्षय सर से मिलने से पहले कि ओ माय गॉड ही इज द बेस्ट. Amazing. ये आपका तो सबसे पहले ना इशांत सर. Not only in fitness as human, every, I mean, you know, every aspect. And ये बोलना कभी भी exaggeration नहीं लगता है, दिल से लगता है. Correct. एक तो इस स्टेज पे खड़े होना और हिमेश सर और इशांत सर के साथ में खड़े होना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. So keeping the starstruck प्रेरणा aside and गौरव aside, इशांत सर आपसे पूछना है, आप जब बड़े हो रहे थे आपके साथ भाई बहन, हाँ, और ये गाने का नाम तेरे साथ हूँ मैं, बचपन से ही रक्षाबंधन चल रहा होगा आपके घर में? जी, बचपन से ही रक्षाबंधन चल रहा था. और मेरा और मेरी बहन का रिलेशन ना बड़ा पावरफुल रिलेशन था जी. मतलब जब भी वो मारती थी बड़ी पावर के साथ मारती थी और वो पढ़ाती थी मुझे मैथ. अब मैथ पढ़ाने वाली बड़ी बहन कैसी हो सकती है और एक नालायक मैथ के छोटे भाई के गाल पे क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे, कैसा पावरफुल रिलेशन था सर. उस मतलब वो पावरफुल रिलेशनशिप और फिर ये सोलफुल गाना, काफी काफी बड़ी लंबी जर्नी रही है. अगर कुछ शब्द आप बताना चाहेंगे कि व्हाट वाज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर हेड जब आप लिख रहे थे इस गाने के लिए. बेसिकली ये पूरी फिल्म ही मुझे लगता है मेमोरी से निकली हुई पिक्चर है जी. भाई बहन की पिक्चर, आप वो जैसे सर्दियों की वो छत देगी गवाही, ये सर्दियों की छत पे बहन भाई आपस में बैठ के वो पढ़ाई हुई थी जिसमें मस्ती ज़्यादा थी और पढ़ाई कम थी और वो प्यार ज़्यादा था, लड़ाई कम थी, वो सारी बातें हैं इसमें. Nice.
नाइस. ये सब कुछ सच है, ये सब कुछ एहसास में डूबा हुआ है, ये सचमुच बहन भाई का प्यार है. बहुत बहुत बढ़िया. वे लुकिंग फॉरवर्ड टू द सॉन्ग. ऑफ कोर्स हम गाना सुनेंगे. हिमेश सर, आपसे पूछना है कि आपका ये जो डुओ है अक्षय सर के साथ में, चाहे हम एतराज की बात करें, खिलाड़ी 786 की, नमस्ते लंदन के गाने तो आज सुबह सुबह को सुनकर रोकर आई हूँ. ब्रेकअप नहीं हुआ है, मतलब क्रश कहीं और ही चला गया, डजंट मैटर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये लक इनफ था या फिर आपको बहुत ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ी? अक्षय सर मेरा ही नहीं, किसी का भी म्यूज़िक कैरी करते आए हैं जी. तो एक सुपरस्टार एक्टर के लिए एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो म्यूज़िक को कैरी करे. एंड आई थिंक ही इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ही टेक्स द म्यूज़िक टू अनदर लेवल. एंड सारी पिक्चरों में हेरा फेरी का भी म्यूज़िक जो था वो उन्होंने जिस तरह से कैरी किया था, अगर वो ह्यूमर एंड फन का जो एलिमेंट होता है, आई मीन वो म्यूज़िक को कैरी करने में इट ऑलवेज बिकम्स वेरी सिचुएशनल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग टेक्स द फिल्म की स्टोरी को आगे लेके जाता है. लेकिन म्यूज़िक को रिलीज से पहले अगर वो सक्सेस कोई कर सकते हैं तो वो अक्षय सर की वो पर्सनालिटी है, और उन पर अगर म्यूज़िक करेक्ट बैठ जाए तो वो कॉम्बिनेशन इज़ डेडली. सो आई एम, मेरे लिए अक्षय सर के लिए जब कोई भी पिक्चर की बात भी होती है तो वो प्रेशर ज़्यादा रहता है, बिकॉज आपने भी वही कंपैरिजन कर दी, तो वो कंपैरिजन में कोई भी चीज़ आपको हल्की लग सकती है. लेकिन रक्षाबंधन के म्यूज़िक के लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सो आई एम हैप्पी क्योंकि वो आनंद जी ने बहुत दिल से उस कहानी को नरेट किया था, हिमांशु जी ने बहुत दिल से लिखा था एवरी थिंग, एंड आई हैव सीन द फिल्म. So it's a flawless film. And जब अच्छा लगता है तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि it's very nice. So I hope कि हम लोग वो expectations पे भी live, because मैंने तो बहुत emotionally इस music को compose किया है. And I love the music. So I love it. और COVID के बाद वैसे भी मेरा point of view जो चीज़ों को देख, और ये रक्षाबंधन टाइप की जो पिक्चर है वो जोन की पिक्चर बनाएगा कौन? एंड उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज जो हमारे समाज के लिए होना चाहिए, और वैल्यूज के साथ डेटेड ना हो के वो कन्वेंशनल हमारे जो हिंदुस्तानी इमोशंस जो हर घर में होते हैं, उन सारी चीज़ों का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और वो ग्रेट परफॉर्मेंसेस और वो बहुत बड़ी बात बहुत सिंपल तरीके से कहना, वो आई थिंक ये फिल्म में है. बहुत बढ़िया सर, मतलब आई डोंट इवन हैव एनी वर्ड्स एनीमोर. हिमेश सर एक काम करते हैं, आप होस्ट कर लीजिए, बिकॉज हिमेश ऑलवेज डज द बेस्ट थिंग. नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. विद द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ हिमेश सर ओनली, लेट अस हियर. आज हम वो गाना सुने जो ऐसे स्टॉलवर्ड्स ने यू नो बनाया है मिलकर. इट्स कॉल्ड तेरे साथ हूँ मैं. जय माता दी. ओह जय माता दी, लेट्स रॉक. कैन वी प्लीज हियर द सॉन्ग? थैंक यू सो मच इरशाद सर, थैंक यू सो मच हिमेश सर, थैंक यू.